खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के रायपुर करछुलियान में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे कपिलध्वज सिंह उर्फ भैया साहब को अवगत कराया है। रायपुर करछुलियान के बछई बाईपास से लेकर रायपुर बाजार भैरव बाबा मंदिर तक पुराने रोड के चौड़ीकरण रोड निर्माण में जो दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस तहसीलदार रायपुर करछुलियान द्वारा दी गई है, लेकिन व्यापारियों द्वारा बैंकों से लोन लेकर छोटे छोटे व्यवसायी द्वारा टपरा लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको क्षेत्रीय विधायक के दबाव में अतिक्रमण का रूप देकर हटाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं पुराने रोड निर्माण नियम के अनुसार बहुत से लोगों द्वारा सेंटर से दोनों तरफ रोड से लगी भूमि का व्यवसाय के लिए उपयोग किया जा रहा है, जबकि व्यापारी उसी भूमि के सामने गोमती रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उक्त भूमियों को यदि रोड के चौड़ीकरण अधिग्रहण होने पर 50 फीट की सीमा होने से अधिग्रहण किया गया है, मुआवजा देने के पश्चात ही अतिक्रमण हटाया जाए, व्यापारियों ने इसकी मांग की है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गुड़ से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुंवर कपिलध्वज सिंह ने बताया कि व्यापारियों द्वारा इस पूरे मामले को अवगत कराया गया था, जहां उनके द्वारा समस्त ग्रामीण जनों एवं व्यापारियों के साथ एसडीएम तहसीलदार को ज्ञापन पत्र देकर मामले से अवगत कराया गया है कि न्याय संगत कार्यवाही हो एवं किसी व्यक्ति विशेष का अतिक्रमण न हटाया जाए। अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो सभी का एक साथ अतिक्रमण हटाया जाए और किसी के साथ दुर्व्यवहार पूर्ण कार्यवाही न की जाए। अगर शासन प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैये से अतिक्रमण को हटाया जाएगा तो रायपुर करछुलियान के ग्रामीण जनों सहित व्यापारी जनों के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस पूरे मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रायपुर करछुलियान के ब्लॉक अध्यक्ष अधिवक्ता पद्मदीप शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि भाजपा के शासनकाल में सदैव व्यापारियों किसानों युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है एवं एकपक्षी कार्यवाही करने का कार्य किया गया है। रायपुर करछुलियान में जो कार्यवाही की जा रही है वह एकपक्षी कार्यवाही की जा रही है और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस जनों के साथ तहसील कार्यालय के घेराव करेंगे। आइए सुनते हैं कपिलध्वज सिंह ने इस दौरान क्या कहा है। चूना डल जाए तो लोगों का मालूम चल जाए को अतिक्रमण की श्रेणी में है कुछ नहीं है। बहुत लोग अपने उसे हटा ले। एक बराबर पैमाना हो, पक्षपात ना हो, और यह लोगों को बता दी जाए कि कितना फुट ली जा रहा है। विषय है जो अपना के निराकरण वाले हैं। एक तो चूना डलवा दीजिए तो सबका स्थिति क्लियर है। दूसरा, बहुत लोगों के बिजली के कनेक्शन है, बहुत लोग लोन ले चुके हैं, उनका क्या व्यवस्था हुई क्योंकि अतिक्रमण हट जाए या उनका ना लोन तो सर हट जाए। दूसरा, बहुत लोग हैं जो पुराने नियम के अनुसार 50 के अंदर रजिस्ट्री है, हम लोग उनके कितने का व्यवस्था है, कुछ लोग घर गिर रहा है, जनपद अस्पताल है, थाना है, यहाँ पर तो वो प्राइवेट रहे नहीं है जी, जी। तो इस बार जितने हैं वो सब सरकारी हैं। रजिस्ट्री वालों की दिक्कत है, थाने की बाउंड्री के आगे से रजिस्ट्री वाले हैं, तो रजिस्ट्री वाले अपन देख लेंगे रजिस्ट्री है और कितने रजिस्ट्री है। ठीक है, सब इसमें देख लेंगे, समय भी दिया जाता है। और बैंक के 2-3 मामले आए थे लोन वाले, तो उनके लोन इस पर नहीं है, उनके लोन उनकी दूसरी जो प्राइवेट जमीन है उस पर लोन है, जो 2 मामले हमारे पास आए। बाकी हो सकता है और ज्यादा हो, और वही तो अपने के सामने है। अगर ऐसा कोई है, हमारा लोन लिए हैं, मुद्दा लोन वाले।
एप्लीकेशन लिख करके दे दें, अगर लोन का अकाउंट नंबर है तो दे दें, ठीक है। चर्चा कर ले, जिनका लोन है जिनका लोन इसी प्रॉपर्टी पर है, सरकारी में है, जो लोग आए थे हमारे पास उनके तो गांव की निजी प्रॉपर्टी अलग है। चूना डालने के बाद कुछ दिन के समय लोगों का मिला, एक माह के लिए समय मिल रहा है सर, इन लोगों को व्यवस्थित हो जाए सर, व्यवस्थित होने में सर टाइम भी लगेगा। अचानक कार्रवाई न किया जाए, यदि अचानक कार्रवाई होगी तो शांति व्यवस्था भंग होगी सर, विवाह की स्थिति निमित्त होगी सर, लाइन आर्डर आपको कंट्रोल, लाइन आर्डर अभी आपको मेंटेन करना सर, ऐसा ना हो एक गलत मैसेज जाए। ये सर रायपुर करचुलियान में जो अतिक्रमण किया गया था, आज उसके विरोध में आप लोगों ने तहसीलदार को आके ज्ञापन दिया है, सर क्या है पूरा मामला और क्या कैसे इसकी रूपरेखा क्या तैयार है? अभी रायपुर की जो समस्या थी अतिक्रमण की, तो हम लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आदरणीय समाजसेवी भैया कविता जी की अगुवाई में, आदरणीय लाल जी सिंह की अगुवाई में हम लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। पूरे रायपुर के व्यापारी हैं, छोटे चाय पान ठेला साइकिल मरम्मत अन्य जो व्यवसायी है रोड के आसपास जो दुकान संचालित की है लगभग 50 वर्षों से, तो उसके संबंध में तहसीलदार ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग न्याय संगत कार्रवाई करेंगे, बछाई से लेकर के भैरव बाबा तक का जो अतिक्रमण है उसका ले आउट कराएंगे, दोनों साइड में चूना डलवाने के बाद ही हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे, इसका आश्वासन माननीय तहसीलदार सुधाकर सिंह बघेल ने दिया है, न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए कहा है। सर व्यापारियों से बात किया गया तो ये पाया गया कि क्षेत्रीय विधायक के दबाव पे ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्या क्या है इसका पूरा मामला? ऐसा व्यापारियों का कहना है तो व्यापारी ही जाने, चूंकि व्यापारियों ने मांग रखी तो हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस पार्टी का जो दायित्व है उस दायित्व को निर्वहन करते हुए अपने वरिष्ठ साथियों और आदरणीय विधानसभा प्रत्याशी रहे भैया साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यापारियों की बात को बखूबी जो उनकी समस्या थी रखा और उसमें निराकरण करने के लिए तहसीलदार ने आश्वासन दिया है। एसडीएम साहब ने भी कहा कि हम बैठ के इसमें विशेष चर्चा करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने जितने बिंदुओं पर आपने ज्ञापन दिया है, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोगों की क्या रूपरेखा होगी? हम लोग व्यापारियों के लिए कटिबद्ध हैं, जैसे व्यापारी चाहेंगे हम लोग उनके साथ गांधीवादी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती चली आई है, विपक्ष का जो भूमिका होगी उस भूमिका को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिला प्रशासन स्थानीय तहसील प्रशासन से भैया साहब की अगुवाई में, आदरणीय लालजी सिंह की अगुवाई में हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों के सबसे ज्यादा यह बात की समस्या है कि जो भी कार्रवाई हो उसका समय मिले, विधिवत और न्याय संगत कार्रवाई हो, तो तहसीलदार साहब एसडीएम साहब ये आश्वासन दिए हैं कि जो कार्रवाई हुई विधिवत कानून के दायरे में और न्याय संगत कार्रवाई हुई, सबसे पहले चूना डाल के सीमा चिन्हित की जाए ताकि लोगों के भ्रम दूर हो सके और अपन स्थिति से सब लोग अवगत हो सके। तत्पश्चात चूना डाले के बाद सबका समय दी जाए, जो लोग संतुष्ट हुई अच्छी बात है, जो असंतुष्ट हुई तो अपन मांग आवेदन के माध्यम से तहसील में एसडीएम साहब के सामने रख सकते हैं, जेकर निराकरण हुई बिजली कनेक्शन के मुआवजा के अन्य कुछ मुद्दा रहे जिसके खेतर बात भई और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ये आश्वासन दी नहीं कि आवेदन के माध्यम से सुनवाई हुई और निराकरण हुई उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी। अतिक्रमण हटावा जा रहा है, अतिक्रमण हटावे कार्रवाई हो रही है तो सबका एक पैमाना में एक बराबर तौल के कार्रवाई हो, यहाँ पक्षपात ना हो चाहिए, यदि पक्षपात हुई तो हम पंचे फिर से मैदान में रहा।